निशा उत्वानी और आप देख रहे हैं हिंदी कुक बुक चैनल। वेलकम टू अवर चैनल। आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ खींचा पापड़ की रेसिपी। ये मेरे मॉम के हाथ के बने हुए खींचे हैं। ये उनके हाथ के बने हुए खींचे बहुत ज़्यादा टेस्टी बनते हैं और मेरे फेवरेट है बहुत ज़्यादा ये। तो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, वीडियो को स्किप किए बिना आप पूरे वीडियो देखिए, अच्छे से ध्यान से देखिए, तभी आपके खींचे अच्छे बनेंगे। और इनके खींचों को सेक कर भी हम खा सकते हैं, गैस पे से नॉर्मल सेक के भी खा सकते हैं, बहुत टेस्टी लगते हैं ये। और इसकी रेसिपी बिल्कुल आसान है। इसमें इन्होंने यूज़ किया है चावल का आटा और थोड़ा सा मैदा। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले एक बर्तन को ग्रीस कर लेंगे ऑयल लगा के थोड़ा सा। इसमें डालेंगे 8 गिलास पानी। ये 1 गिलास अप्रोक्स 300 ml का है। इसमें 8 गिलास पानी डाल देंगे। अब इस पे गैस पे चढ़ा देंगे इसे। अब इसमें डालेंगे नमक स्वादानुसार। थोड़ा सा डाल देंगे साबुत जीरा। दो चम्मच डालेंगे इसमें सोडा, खाने वाला सोडा। और थोड़ी सी डालेंगे इसमें फिटकरी। ये देखिए इतनी फिटकरी डालनी है हमें। अब इसे पानी को अच्छे से उबालना है। उबाल आने पर फिर उसमें आप आटा मिलाएंगे। ये देखिए अच्छे से उबाल आ गया है, पानी का कलर भी चेंज हो गया है। अब ये ले लेंगे 1 किलो चावल का आटा और 200 ग्राम मैदा। इन दोनों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे पानी मिक्स करती है पानी में। इसमें डालेंगे 2 चम्मच लाल मिर्च। इसमें आप हरी मिर्ची या काली मिर्ची भी कूट कर डाल सकते हैं, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें आटा डालेंगे। आटा थोड़ा थोड़ा डाल के ऐसे मिक्स करते जाना है। गैस सिम कर देते हैं। बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर देना है आटे को। ये देखिए अभी अच्छे से मिक्स हो गया है। अब इसे ढक्कन लगा देंगे और इस पे एक भारी सा बर्तन रख देंगे, कुछ भी 10-15 मिनट के लिए रखेंगे। और ये आटा रेडी है। इसे आटे को थोड़े से निकाल देंगे इसमें। और ये चकला लेके उस पर थोड़ा तेल लगाएंगे और बेलन को भी थोड़ा सा तेल लगा लेंगे। और उस पर आटे से इसको अच्छे से आटे को मसलना है। आटे को बिल्कुल चिकना कर देना है। ये पूरा प्रोसेस गरम गरम आटे में ही करना है। आटा ठंडा नहीं होना चाहिए, नहीं तो लोइयां अच्छे से नहीं बनेगी। अब इसकी छोटी छोटी लोइयां बना लेंगे। अब ये खींचा बनाने की मशीन है, इसमें एक नीचे से पॉलिथीन बिछा लेंगे, उसमें थोड़ा सा ऑयल लगा के इस लोई को रखेंगे। अब इसके ऊपर दूसरी पॉलिथीन रखेंगे और इसे प्रेस करेंगे 2-3 बार।
इसकी ऊपर वाली पॉलीथीन हटा देंगे और इसको खींचे को सुखा देंगे। सारे खींचे ऐसे ही बना देंगे और 2 घंटे के बाद इसे पलट देंगे सबको। इसे 2 दिन पंखे के नीचे सुखा लेंगे, खींचे बन के रेडी हो जाएंगे। खींचे बहुत अच्छे बनकर तैयार हुए हैं। थैंक यू सो मच माय स्वीट मॉम, लव यू।